आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री की पहल पर जनपद में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से पहुंचा दो टैंकरों में 40 मीट्रिक टन लिक्विड प्राण वायु ऑक्सीजन, उखड़ती सांसों को मिलेगी राहत। होम आइसोलेशन के मरीजों को जिला प्रशासन उपलब्ध करा रही है मेडिकल किट। सीडीओ ने कहा, निगरानी समिति को सक्रिय कर कोविड मरीजों के उपचार पर दिया जा रहा है विशेष जोर। कोविड मरीजों के बेहतर इलाज के लिए ऑक्सीजन के साथ कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने में लगा है जिला प्रशासन। जिलाधिकारी ने कहा, जिले के 20 ब्लॉकों में खोला जाएगा कोविड हॉस्पिटल। हालसीगंज स्थित ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का राजघाट। पुलिस ने चोरी के जेवरात व एक चाकू के साथ दो भिक्तों को किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा, भेजा जेल। खुलासे पर दुकान के प्रोपराइटर ने पुलिस के प्रति जताया आभार। जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले दो अभियुक्तों को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त पिस्टल, दो जिंदा कारतूस तथा एक खोखा किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा, भेजा जेल। नगर निगम के फॉगिंग महाअभियान का महापौर ने किया शुभारंभ। नगर आयुक्त ने कहा, 35 फॉगिंग मशीनों से हर दूसरे दिन महानगर में होगा फॉगिंग। कर्मपथिक पुष्पांजलि कार्यक्रम के तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने दिया अपने दिवंगत शिक्षकों कर्मचारियों को श्रद्धांजलि। सीडीओ ने कहा, मुसीबत के दौर में सभी को आना होगा एक साथ। गोरखपुर में शनिवार को मिले 685 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 5 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 53,932। अब तक 564 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 7,148 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। दुर्गापुर से शुक्रवार की देर रात 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस शनिवार को दोपहर पहुंची गोरखपुर रेलवे स्टेशन। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के कर्मचारियों ने किया स्वागत। सीपीआरओ ने कहा, कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से मिलेगी राहत। शासन के निर्देश पर 45 साल से ऊपर के पत्रकारों तथा डीडीओ कर्मचारियों के कोविड वैक्सीनेशन का कुलपति ने किया निरीक्षण। कहा, आने वाले दिनों में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सुविधा के लिए 5 बेड तथा एक्सरे मशीन सहित डायग्नोस्टिक सेंटर किया जाएगा स्थापित। दुष्कर्म के आरोप में वांछित अभियुक्त संगम साहनी को पीपीगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मानसून को देखते हुए नगर निगम चला रहा है नाला सफाई अभियान। नगर आयुक्त ने कहा, इस बार शहर में नहीं लगने दिया जाएगा वाटर लॉगिंग। चोरी की घटना में शामिल दो अभियुक्तों को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी के सामान को किया बरामद, भेजा जेल। जिला अस्पताल सहित 49 केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के 3,289 तथा 45 साल से ऊपर के 5,862 नागरिकों का किया गया कोरोना का टीकाकरण। सीएमओ ने कहा, नंबर आने पर अवश्य लगवाएं वैक्सीन। और शासन के निर्देश पर लगाए गए कोरोना आंशिक कर्फ्यू का शनिवार को भी देखने को मिला आंशिक असर। सीओ कोतवाली ने कहा, कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर हो रही है विधिक कार्यवाही।